वक्त हम खड़े हैं कल्याण नगर के इस अंडर बाईपास में। और नमस्कार, आप सभी का, आप सभी देख रहे हैं दिनागरी न्यूज और मैं हूँ आप सभी के साथ मनुल। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, इस वक्त मैं खड़ी हूँ कल्याण नगर के इस बाईपास में। आप सभी को यहाँ पे लग रहा होगा मुझे देख के कि मैं किसी नदी में यहाँ पे खड़ी हूँ या कोई इस तरह की खास नदी या कुछ ऐसा कुछ आपको लग रहा होगा, लेकिन आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कल्याण नगर का अंडर बाईपास, वही अंडर बाईपास है जहाँ से रोजाना गाड़ियां आती जाती है। लेकिन आज जयपुर में भारी बारिश के कारण यहाँ की जो स्थिति हो गई है, यहाँ पे देखिए आपने रास्ता आने जाना यहाँ पे बंद कर दिया है, गाड़ियां यहाँ से आने जानी बंद कर दी है और नगर निगम द्वारा यहाँ पे पानी निकालने की का भी कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। किस तरह से यहाँ पे देखिए आप, मेरे पूरे पैर यहाँ पे पूरा मेरा, मैं एकदम हाफ सीढ़ी पे खड़ी हूँ लेकिन मेरे पैर यहाँ पे डूब चुके हैं। अब आगे जाते जाते तक तो शायद ये मेरे यहाँ तक आ जाएगा पानी, इतना पानी यहाँ पे भर चुका है। अब इस ऐसे में ये सवाल उठाता है कि क्या इसको, इसके लिए क्या कुछ कार्य यहाँ पे नगर निगम द्वारा किए जा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। बारिश को लेकर कुछ खास व्यवस्था यहाँ पे नहीं की गई है नगर निगम द्वारा। बारिश में हर साल यहाँ पे इस तरह से पानी भर जाता है, लोगों को बहुत आने जाने में प्रॉब्लम्स होती है। कई लोग होते हैं जिनका आने जाने का रास्ता ही यही होता है, जिनको अपने ऑफिस से घर या घर से ऑफिस जाना होता है वो यही रास्ता होता है। ऐसे में आम जन को काफी प्रॉब्लम हो रही है और उन्हें यहाँ पे काफी असुविधा का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। अब जयपुर में भारी बारिश के कारण जगह जगह में पानी भर गया है, ऐसे में लोग घर से निकलने को, घर में रहने को मजबूर हो गए हैं, वो घर से निकल नहीं पा रहे हैं। आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना कचरा और कितनी गंदगी यहाँ पे है। खासकर यहाँ पे नगर निगम की हम बात करें तो किस तरह से यहाँ पे असुविधाएं हैं, किस तरह से जनता को यहाँ पे असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। अब हम यहाँ की जनता से जानते हैं, क्या ये जो भी यहाँ पे जनता खड़ी है, क्या ये सब भी यहाँ से जाने की राह देख रही है, क्या आप यहाँ से जाने के लिए रास्ता देख रहे हैं? हाँ जी मैडम, जाने के लिए खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। अच्छा, तो क्या क्या लगता है आपको, मतलब ये हर साल ऐसे पानी भर जाता है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इसके लिए? हाँ, ये मैं कहता हूँ कि जैसे डाउन होता है, अंडरपास होते हैं या रोड का लो फेस होता है, वहां तो प्रॉब्लम होती होती है, लेकिन इसके अलावा मैं बारिश के और कुदरत की उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि जो जयपुर में, पूरी जयपुर सिटी में सीवर लाइन है उसकी वो होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से जो पुराने मकान बड़े हुए हैं आज के 30 साल 25 साल पुराने, उनमें पानी है। मैं वहां से आ रहा हूँ और ऐसी समस्या है कि वहां बैठ नहीं पाते, तो सरकार हो या अपने नगर निगम हो, जेडी हो, इस चीज को उससे लेना चाहिए गंभीरता से। आप कहाँ जाने की राह देख रहे हैं, यहाँ से निकलने की राह देख रहे हैं आप? हाँ मैम, मैं यहाँ से निकलने की राह देख रहा हूँ मैम, लेकिन पानी इतना ज्यादा हो गया कि निकलना बहुत मुश्किल हो गया है मैम। तो आप रोजाना इधर से आते जाते हैं? यहीं से जाता हूँ मैम, रोज काम करके आता हूँ, यहीं से निकलता हूँ। पानी की इतनी समस्या हो गई, आज तो ज्यादा हो गई, अब हमको मतलब 2 घंटे का इंतजार करके जाना पड़ेगा, पानी निकलेगा नहीं, फिर जैसे दूर होके जाना पड़ेगा, टाइम लगेगा मैम उसमें। तो जो आपको असुविधा हो रही है ये, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से और नगर निगम से? सुविधा तो मैम ये है, जैसे नालों में इनको डाइवर्ट करो, पानी को वहाँ जोड़ो इन पानी को, जैसे यहाँ आ गया पानी तो बहुत समस्या हो रही है उस चीज की, जैसे बड़े बड़े नालों में जोड़ दो उस पानी को, वो समस्या समाप्त करो मैम। तो जैसे कि आम जनता यहाँ पे निकल, जिनका आने जाने का रास्ता ही यही है, ऐसे में तो उन्हें काफी असुविधा का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है और वो सरकार से और नगर निगम से यही चाहती है कि इसके लिए वो कड़े से कड़े यहाँ पे कदम उठाए। देखिए, देखने में तो ये आप सभी को झरना दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये यहाँ पे किसी प्रकार का कोई झरना नहीं है, बल्कि ये एक गंदा नाला है। जी हाँ, ये जयपुर का एक गंदा नाला है जो बिल्कुल एकदम झरने की तरह दिखाई दे रहा है, एक डैम की तरह यहाँ पे ये प्रतीत होता है। लेकिन आप देखेंगे कि हर साल इस तरह से ही यहाँ पे ऐसे पानी भर जाता है नाले में, बारिश का वक्त आते ही यहाँ पे इस तरह से नाले का पानी एकदम ऊपर तक आ जाता है और ये रोडों पे आने लगता है। इससे पहले अभी हम कल्याण नगर अंडर बाईपास से आ रहे हैं, वहां पे भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा वहां पे पानी भरा हुआ है और जयपुर में अभी भारी बारिश के कारण बहुत ज्यादा हर जगह जगह पानी भरा हुआ है, जिसके चलते आम जनता को बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। कई लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपने काम पे नहीं
जा पा रहे हैं। और साथ ही हम बात करें तो कोई अपने घर में अगर राशन खत्म हो रहा है तो राशन नहीं लेने जा पा रहे हैं। लेकिन हर बार हम बात करें अभी नगर निगम की लापरवाही की, तो हमने वहां पे भी देखा कि किस तरह से वहां पे लोगों को असुविधाएं हो रही थी। अब यहां पे भी हम बात करें तो हर साल इसी तरह से ये नाले का गंदा पानी सड़कों पे आ जाता है, लोगों को यहाँ से निकलने में बड़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। और यही गंदा पानी और लोग इसी गंदे पानी में चलते हुए जाते हैं, गाड़ियां निकलने में प्रॉब्लम आती है। और खास बात यहाँ की ये है कि रात के वक्त यहाँ पे लाइट्स की भी व्यवस्था नहीं है। अगर ऐसे में यहाँ पे कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो ऐसे में यहाँ पे इस चीज का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि यहाँ पे ना रात के वक्त लाइट से बहुत अंधेरा यहाँ पे हो जाता है, लोगों को आने जाने में यहाँ पे बहुत असुविधा का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, अब हम उनसे बात करते हैं। सर, हर साल यहाँ पे इस तरह से पानी भर जाता है, क्या कहना है आपका? बिल्कुल, प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही। आप देखिए, खुला पानी नाला चौक हो रहा है और अभी दो बाइक वाले यहाँ बहते बहते बड़ी मुश्किल से मैंने उनको वहां से निकाला पानी में, और भारी भरकम टैक्स लेते सरकार, उसके बावजूद सुविधा के नाम पे जीरो है यहाँ। बिल्कुल प्रशासन का कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पे नहीं है। सुबह से बारिश हो रही है, कई बार फोन करने के बावजूद निगम में यहाँ किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। और आगे देखिए, पूरा जाम लगा हुआ है और शाम तक बारिश और ज्यादा बारिश आने की संभावना है। इसके देखते हुए प्रशासन को यहाँ अपनी सुविधा या फिर कोई प्रशासन अधिकारी यहाँ पे मौजूद करना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पे काफी लोग हैं कि बहुत असुविधा का उनका सामना करना पड़ता है, जैसा कि अभी संडे में बताया कि यहाँ पे एक बाइक वाला यहाँ पे गिरते गिरते यहाँ पे बचा है। और इससे पहले हम आपको बता दें कि पिछले साल इसी नाले में दो लोग बहते हुए मानसरोवर नाले में मिले थे। इस तरह से यहाँ पे प्रशासन की गैर जिम्मेदारी यहाँ पे दिखाई जा रही है, नगर निगम के द्वारा यहाँ पे किसी भी तरह का यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बने रहिए द नगरी न्यूज के साथ, नमस्कार।